दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत और चाइना में मानो जंग सी छिड़ी हुई है। कुछ दिन पहले ही भारत और चाइना में LAC पे गलवान वैली में क्लैशेस हुए। उसके बाद भारत ने चीन के सिक्योरिटी का कारण देके 59 ऐप्स बैन कर दिए और उसके साथ ही कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें चाइनीज कंपनीज थी वो रद्द कर दिए। वैसे आज हालत काफी सुधर गई है और चाइनीज पीछे हट गए ऐसा बोला तो जाता है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड की नजरें आज भारत और चाइना पे टिकी हुई है। हम भी आज इन दोनों के मिलिट्री पे नजर डालेंगे। डरिए मत, मिलिट्री एसेट्स पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब किसके पास कितने एयरक्राफ्ट है, आर्टिलरीज है, नो, ये नंबर्स आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। हम आज इनके मिलिट्री स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है भारत का मिलिट्री स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब भारत के मिलिट्री के अंडर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आता है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं। हम में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में हर देश का मिलिट्री स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, मतलब सभी देशों के पास ऐसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स होंगे, सबका एक प्रमुख होगा और वो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर को चलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना, USA और कुछ कंट्रीज है जिनमें थिएटर कमांड्स ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अब ये वर्ड भी हम में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, थिएटर कमांड्स। तो एग्जैक्टली ये थिएटर कमांड्स होते क्या है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अनुसार इंडिया में भी फ्यूचर में मिलिट्री रिफॉर्म्स होकर ऐसी थिएटर कमांड्स बनेगी, तो इसी नए स्ट्रक्चर को आज हमारे यूनिक स्टाइल में जान लेंगे। चलिए, थिएटर कमांड। दोस्तों, इस वर्ड को अगर हम डिवाइड कर ले तो दो वर्ड्स हो जाते हैं, थिएटर एंड कमांड। दोनों को अलग अलग समझेंगे। मान लीजिए हमारे सिटी में कोई भी एक थिएटर होता है, जो मूवी थिएटर होता है, वो सिटी के किसी भी इलाके में स्थित होता है। मतलब वो वही होता है, हम सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो कुछ भी होता है, मतलब सिनेमा दिखाया जाता है, हम सब लोग उसे एंजॉय करते हैं, फिर से बाहर आ जाते हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि थिएटर एक ज्योग्राफिक लोकेशन है जहाँ पे चीजें एक्चुअल में होती है। इसी तरीके से जहाँ पे एक्चुअल में युद्ध होगा या फिर वॉरफेयर होगा या फिर ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ पे वॉरफेयर होने के चांसेस है, उसे ही थिएटर बोला जाएगा। अब आते हैं कमांड की तरफ। दोस्तों, कमांड के लिए ये चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे कमांड को आर्मी का एग्जांपल लेके बताया गया है। मतलब अगर 10 सैनिक होते हैं उनके ग्रुप को सेक्शन बोला जाता है। वो अगर तीन सेक्शन हो तो प्लेटून, उसके बाद राइफल कंपनी, अगर चार राइफल कंपनीज हो तो उसे बटालियन या रेजिमेंट बोलते हैं, तीन बटालियन हो तो उसे ब्रिगेड बोलते हैं, तीन चार ब्रिगेड मिलके डिवीजन बनती है, तीन चार डिवीजन मिलके कॉर्प्स बनते हैं, एंड फाइनली इन सब के ऊपर ऑपरेशनल कमांड्स होती है। जो कमांड को हैंडल करता है वो 3-स्टार लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जिसे कमांडर भी बोला जाता है। ये तो ही आर्मी की कमांड। ऐसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सबकी कुछ कमांड्स इंडिया में है और सबके ऊपर रिस्पेक्टिव कमांडर्स है। अब थिएटर क्या होता है एंड कमांड क्या होता है, यह हमें समझ में आ गया। अभी मान लीजिए इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फ्यूचर में जाके इंडिया और चाइना में वॉर हो जाता है, तो क्या होगा, इस एरिया की जो आर्मी की कमांड है उसको लीड आर्मी का कमांडर करेगा, एंड इस एरिया की जो एयरफोर्स की कमांड है उसको लीड एयरफोर्स का कमांडर करेगा। यहाँ पे पानी नहीं है तो नेवी आ नहीं सकती। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन ना हो तो चांसेस ये होते हैं कि दुश्मन हम पे हावी हो जाए। तो इस पे सोल्यूशन क्या है, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आजू बाजू जितने भी एरिया में ये वॉरफेयर चल रहा है हम इसे थिएटर बोलेंगे। अगर इस थिएटर में, मतलब इस रीजन को कवर करने वाली, अगर एक ही कमांड बना दी जाए जिसमें कुछ सैनिक आर्मी के होंगे, कुछ नेवी के होंगे और जिसका एक ही कमांडर हो, तो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बहुत बेटर तरीके से करेगा और वॉर भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चाइना का मिलिट्री स्ट्रक्चर बना है। मतलब चाइना ने अपने पूरे कंट्री को ही 5 थिएटर्स में, मतलब 5 ज्योग्राफिक लोकेशंस में डिवाइड कर दिया है और मिलिट्री को भी उसी लोकेशंस पे अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे चाइना के 5 थिएटर कमांड्स बनते हैं, जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड पूरे भारत की बॉर्डर को कवर करता है। सिमिलर तरीके से अगर आप USA की थिएटर कमांड्स को देखेंगे तो इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड को ही अलग अलग थिएटर्स में डिवाइड कर लिया है। इनकी अफ्रीका में, USA में, एशिया में, पैसिफिक रीजन में एंड साउथ अमेरिका में अलग अलग थिएटर कमांड्स है। दोस्तों, हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा है तो अब तक इंडिया में ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, अगर वॉरफेयर बहुत बड़े थिएटर में है, मतलब
पूरी बॉर्डर कवर कर रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया तो पूरी बॉर्डर में चलेगा, तब ये कोऑर्डिनेशन हो जाता है। बट अगर कहीं भी क्लैश या वॉर किसी छोटी जगह होगा, जैसे 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तब ये कमजोरी सामने आई कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत स्विफ्टली चाहिए होगा और बहुत तेज चाहिए होगा, नहीं तो दुश्मन हम पे हावी हो जाएगा। उसके बाद सन 2000 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बात उठाई थी, और बाद में अभी 20 साल बाद जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पोस्ट क्रिएट कर दी गई, तो जनरल बिपिन रावत ने ये ऐलान कर दिया कि अभी भारत का मिलिट्री स्ट्रक्चर में थिएटर कमांड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक जो न्यूज सामने आई है उसके अनुसार भारत में 2 से 5 थिएटर कमांड्स हो सकती हैं, जिसको लीड एक कमांडर करेगा जो 3-स्टार जनरल होगा। इनमें से जो सबसे पहले रोल आउट होगी वो एयर डिफेंस कमांड होगी, मतलब जो भी इंडिया पे हवाई अटैक्स हो सकते हैं उसका मुकाबला करने के लिए आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों में जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो मिला के उनको मोबिलाईज करके एक कमांड बनाई दी जाएगी। सेकंड जो कमांड रोल आउट होने के चांसेस है वो है पेनिनसुला कमांड। एज हम सबको पता है कि भारत खुद एक पेनिनसुला है और तीनों बाजू नेवल अटैक्स रोकने के लिए नेवी के कमांडर के अंडर ये पेनिनसुला थिएटर कमांड बनाई जाएगी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर को कवर करने के लिए अलग थिएटर कमांड्स बनाई जा सकती है, ऐसा बिपिन रावत का कहना है। दोस्तों लास्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि भारत के पास ऑलरेडी एक ट्राई सर्विस कमांड है, जिसे हम थिएटर कमांड बोल सकते हैं क्योंकि वो अंडमान एंड निकोबार में बेस्ड है, बट सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को ही कंट्रोल करती है। तो आई होप आपको थिएटर कमांड ये मिलिट्री स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। लेट अस सी फ्यूचर में कितनी थिएटर कमांड्स बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसा ही कॉन्सेप्चुअल कंटेंट यूनिक वे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।